नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी कुल वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जन आधार कार्ड के अंदर अगर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपने जन आधार कार्ड के अंदर आपका जो बैंक की डिटेल है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। वहाँ पे आपको SSO को सर्च करना है। सर्च करने बाद में इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आने वाला है जहाँ पर आपको लॉगिन के लिए बोला जाता है। आपको यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी है वो आपकी एंटर करनी है। लॉगिन आईडी एंटर करने बाद में आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करते ही नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने बाद में आपको नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इसका जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। यहाँ पर आने के बाद में आपको जन आधार का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। इसको आप यहाँ पे क्विक सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन है वो ओपन होने वाला है जहाँ पे आपको इनरोलमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करना है। इनरोलमेंट के ऑप्शन को आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं जिसके अंदर आपको सिटीजन एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली इसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सिटीजन एडिटिंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है जहाँ पर आपके जो जन आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करें या फिर खोजे के बटन पे क्लिक करना है। खोजे के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वापस एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ओके के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होने वाला है जहाँ पे आपके जो जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर ऐड है उन सभी की डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। इन फैमिली मेंबर के अंदर जिसका भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर ओन है उसी फैमिली मेंबर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको eKYC आधार या फिर eKYC जन आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही eKYC आधार के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आने वाला है जहाँ पे आपको OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, OTP भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP मान्य करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपकी यहाँ पे OTP वेरीफाई हो जाती है उसके बाद में आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं आपके जन आधार कार्ड के अंदर। उसके बाद में आप यहाँ पे इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद में इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है और जो जन आधार कार्ड के अंदर फैमिली का मुखिया पर्सन है उसकी डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। जिसकी जो फोटो है उनकी जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है। अगर आप परिवार के मुखिया का बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी नया बैंक डिटेल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। अगर आप परिवार के मुखिया का डिटेल नहीं चेंज करना चाहते, परिवार के किसी सदस्य का बैंक डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे सदस्य एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने वापस एक नया पेज है वो ओपन होने वाला है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में आपको जिस भी सदस्य का आप बैंक डिटेल यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं उस सदस्य को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने सभी फैमिली मेंबर की डिटेल आ जाती है। आपको सिंपली उस फैमिली मेंबर को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से उसकी डिटेल है आपके सामने ओपन हो जाती है जिसके अंदर आपको उसकी बेसिक डिटेल के साथ में उसकी फोटो देखने को मिल जाती है। सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है। वहाँ पर आपको बैंक की डिटेल है उसको सबमिट करना है। सबसे पहले तो आपको बैंक की नाम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। बैंक के अंदर खाता संख्या आपको यहाँ पर एंटर करनी है। बैंक का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। IFSC कोड और खाता संख्या जैसे ही आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपको जो भी बैंक की पासबुक है उसका फ्रंट पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो आप यहाँ पे उसको कैप्चर करके रख लीजिएगा। आपको उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने बाद में आपको यहाँ पे अपडेट करे का एक ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आप यहाँ पे जैसे ही अपडेट करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, वेरिफिकेशन के लिए भेजे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपने जो भी बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट की है वो आपकी यहाँ पे जनरल आधार की तरफ से जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सेंड की जाती है, जहाँ पे उसको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही सारी डिटेल वहाँ पर वेरीफाई हो जाती है, आपकी डिटेल सही पाई जाती है, उसके बाद में इसको 4 से 5 दिन के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। 4 से 5 दिन के बाद जैसे ही आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करते हैं, वापस से आप अपने पेज पे आते हैं, वहाँ पे आप चेक करते हैं आपने जो भी नया अकाउंट डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड कराया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इस तरह से आप घर बैठे बिना किसी सीएससी सेंटर या फिर ई मित्र जाए अपना जो अकाउंट नंबर है वो आप अपने जन आधार कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं, जहाँ से आपको जो भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है उसका बेनिफिट आप डायरेक्टली ले सकते हैं बिना किसी देरी किए हुए। जन आधार कार्ड के अंदर बैंक खाता ऐड करने से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।